गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो आ जाता है चरक इंद्रिय 12वां अध्याय। ठीक है, इसमें क्या है, अथार्थो गोमे चूर्ण्यम अध्ययनम। ये इंद्रिय स्थान का क्या है, सबसे अंतिम अध्याय है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से आपने क्या है नाम याद रखना है कि गोमे चूर्ण्यम इंद्रियम व्याख्या श्यामम। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले आया था कि एक मास वाले अरिष्ट के बारे में बताया गया है। यस्य गोमय चूर्ण्याब चूर्ण मूर्धिना जायते स स्नेहम भृष्यते च एव मासांतम तस्य जीवितम। तो उन्होंने बोल दिया जिन मनुष्य के क्या है मस्तक्ष पर, ठीक है ना, जिन मनुष्य के क्या है मस्तक्ष पर क्या है सूखे गोबर के चूरन के समान, ठीक है, सूखे गोबर के क्या है चूरन के समान, ठीक है, चूरन के समान चूर्ण स्नेह के साथ गिरता हो, ठीक है ना, अर्थात स्पर्श द्वारा प्रतीत होता हो पर पुनः क्या है नष्ट हो गया हो, तो उस व्यक्ति की आयु क्या होती है एक मास के अंत में ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगला जाता है गति विषय अरिष्टम। जो व्यक्ति क्या है चलते समय पैरों को भूमि से घसीटते हुए चलता है और चलते समय जिसका जो अंश प्रदेश है कुछ नीचे की ओर हुआ है हुआ होता है वह व्यक्ति क्या है इस प्रकार की विकृति के साथ इस मृत्यु लोक में बहुत दिनों तक वास नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अर्धमास का अरिष्ट। ठीक है, तो अर्धमास में बोला गया है कि जिस पुरुष का क्या है स्नान, ठीक है ना, अर्धमास मीन्स 15 दिन, ठीक है ना, जिस मनुष्य का या पुरुष का जो है स्नान के बाद अगर वो क्या है चंदन आदि का लेप लगाता है, लेप लगाने पर उन्होंने बोला कि अगर क्या है छाती, क्या बोला गया है कि छाती का भाग जो है वो अत्यंत सूख जाए और शरीर का बाकी जितना भी सब भाग है, ठीक है, हर जगह पर लेप लगाया लेकिन मोस्टली जो उरा प्रदेश है वहाँ जो सूख जाए तो वहाँ पर क्या है और बाकी प्रदेश अगर क्या है अभी भी गीला ही है तो वो मनुष्य क्या है 15 दिन तक जीवित नहीं रहता है। ठीक है ना, 15 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जो आचार्य चरक है उन्होंने जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है उरा प्रदेश। क्या दिया गया है उरा प्रदेश, तो वो 15 दिन में जाएगा। इसी प्रकार जो सुश्रुत है उन्होंने बोल दिया कि हृदय प्रदेश, मतलब हृदय प्रदेश के जितना वो लेप लगाएगा तो वो सूख जाएगा बाकी सब गीला रहेगा, तो वो भी उन्होंने बोल दिया कि 15 दिन में। और कुक्षी में भी क्या है अगर सब प्रथम वो ये कि कुक्षी प्रदेश में अगर सूखता है तो वो भी क्या है 15 दिन में उसका भी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि दूत अधिकार। ठीक है, दूत अधिकार, अब दूत आ रहा है वैद्य उस टाइम पे किस सिचुएशन में है, ठीक है, अपने हॉस्पिटल में या फिर अपने क्लिनिक पे, तो उसके बारे में बताया गया। तो उन्होंने बोला गया कि वैद्य स्थिति विशेषज्ञ अरिष्टम। ठीक है, तो वैद्य जब क्या है केशों को खोले हुए हो, नग्न स्थिति में हो, रोता हो या असावधानी पूर्वक क्या है बैठा हो, उस समय दूत को आए हुए देखकर रोगी की मृत्यु को निश्चित यह समझ लेना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला गया कि जो वैद्य क्या है सोया हुआ है या कोई भी वस्तु का क्या है छेदन या भेदन, मींस एक तरह से सर्जरी टाइप कोई काम कर रहा है, तो यदि उस समय पर क्या है दूत बुलाने आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि दूत के स्वामी की चिकित्सा नहीं करनी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था और भी में, तो अग्नि में हवन करते समय या पितरों के पिंड दान करते समय वैद्य के पास जो दूत आए वह रोगी को मार डालते हैं। ठीक है ना, उनका ये कहना है कि अगर जो वैद्य है अगर ये काम कर रहा है उस टाइम पर अगर उसका परिचारक आता है तो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, और भी में उन्होंने बोला कि जब वैद्य क्या है किसी अप्रशस्त, अप्रशस्त मतलब अशुभ, ठीक है ना, बात को कहता है या सोच रहा होता है तो उस समय क्या है मरणासन्न मनुष्य को दूत आते हैं। ठीक है ना, इट मींस क्या है अगर कोई क्या है जो व्यक्ति है मतलब कि जो वैद्य है अगर वो क्या है अप्रशस्त या फिर अशुभ बातें या फिर जो ऐसी बातें जो सोचनी नहीं चाहिए अशुभ हैं उसके बारे में सोच रहा और उस टाइम पे क्या है पेशेंट का वही दूत आ जाए तो वो भी इन्होंने क्या है दूत के आने का क्या है ये बोला गया कि वो जो पेशेंट होगा तो वो भी क्या है मरने के बिल्कुल नज़दीक बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है स्वयं दूत विषय अरिष्ट। तो दूत के लिए अभी क्या बताया गया, पहले था कि वैद्य किस पोजीशन में है, अब दूत के लिए बताया। तो अगर क्या है दूत जो है वो दीन होकर भयभीत होकर दौड़कर घबराकर, ठीक है, मलिन वस्त्र पहने हुए दूत को देखकर रोगी को क्या समझना चाहिए कि ये क्या है मरण आसन समझना चाहिए, मतलब मरने के बहुत नज़दीक पहुंच ही चुके ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट और भी उन्होंने बोली गई हैं क्वालिटीज़। तो उन्हें बोला गया कि जो क्या है गधे और ऊँट, वैसे तो घोड़े की सवारी करते हैं सब लोग लेकिन जब कोई इमरजेंसी होती तब तो ये होता कि कुछ भी मिले तो उस पर बैठ के आ जाओ। तो उन्हें बोले जो क्या है गधे या ऊँट की सवारी, ठीक है ना, गाड़ी या फिर क्या है उस पर बैठ कर दूत आए तो समझ लेना चाहिए कि हाँ भाई कि बहुत ज़्यादा क्या है इमरजेंसी आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो यहाँ पर आया हुआ, तो उन्होंने बोला कि जिस रोग में क्या है घर में अधिक मात्रा में पात्र गिरे हुए हों। अब क्या है अब देखो जो वैद्य था वो उसके साथ चल पड़ा,
ठीक है ना, दूत के साथ चल पड़ा। अब जैसे वो घर पहुंचा तो घर आके उसने देखा कि अगर क्या है अधिक जो पात्र है वो गिरे हुए हो, फूटे पड़े हों, तो उसके व्यक्ति को भी समझ लेना चाहिए कि उसका जो जीवन है वो क्या है, दुर्बल, मतलब कि कम ही रह गया है। ठीक है, एक ये देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर बोला कि जब क्या है शरीर रूपी ग्रह को प्राण छोड़कर जाना चाहता है, तब प्राण में क्या है ताप, ठीक है ना, क्या आ जाता है ताप, मतलब बेचैनी। ठीक है, विशेष ज्ञान की शक्ति रुक जाती है कुछ इस तरह से, भावना में क्या है ज्वर निदान में पहले ही क्या है भावों को पुनः श्लोका के रूप में बताया गया है। इसमें सिंपल इतना याद रखना कि क्या होता है, ज्वर उत्पन्न हो जाता है। और उन्हें ये भी बोला कि अंग प्रत्यंगों में क्या है बल का वमन हो जाता है, ठीक है, तो वमन भी हो जाता है अर्थात अंग दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, अंग का वमन हो जाना मतलब अंग क्या है दुर्बल हो जाने, और चेष्टाएँ जो है वो भी क्या है नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो क्या बोला गया है, तो इसमें आ जाता है कि विविध अरिष्ट में मृत्यु काल में जाते समय शुक्र बिना किसी कारण के क्या है शुक्र आश्रय को छूने लगता है। ठीक है ना, क्या है कि शुक्र बिना किसी कारण के शुक्र आश्रय को क्या है छूने लगता है। और क्या बोला गया है कि वायु उन मार्ग में गमन करती है, ठीक है, किधर करती है तो उन मार्ग में, ठीक है, गमन करती है, और मांस और रक्त भी क्या है क्षीण होना शुरू हो जाता है व्यक्ति का। ठीक है, उसको भी समझ लेना चाहिए कि ये क्या मृत्यु के नज़दीक है। और नेत्रों में क्या है चित्तकारी की तरह क्या है पुष्प संचित हो चुके हो, दांतों में कीचड़ के समान मैल जमा हो चुकी हो, पलकों में जटाएँ बन चुकी हो, हम ये सब पढ़ चुके हैं। मस्तक पर क्या है बिना किसी कैरी के बनाए गए सीमांत, मतलब जैसे हम बोलते थे ना कि ये मांग बन जाए, ठीक है, तो हम बोलते थे 6 महीने में या फिर छः दिन में या 3 दिन में, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, कि जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके छः दिन में मृत्यु है, और जो रोगी होगा उसके क्या है 3 दिन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, यहाँ पर डेट्स भी बताई गई हैं, लेकिन ये क्या है ये प्रशस्त दूत के चिन्ह हैं। क्या है प्रशस्त दूत के क्या है चिन्ह बताए गए हैं, तो प्रशस्त दूत में क्या बताया गया है, तो उन्होंने बोला गया कि अगर कोई क्या है प्रशस्त है मींस क्या कि कोई अगर दूत आ रहा है तो वो क्या है नॉर्मल मतलब अच्छा वाला है। ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया वो जो दूत होगा तो उसका क्या होगा सवाचरण मींस क्या है सुंदर आचरण होगा, चित्त सुंदर होगा, प्रसन्न होगा, ठीक है, बिना किसी अंग के हीन कोई आया होगा, ठीक है, श्वेत वस्त्र मतलब अच्छे वस्त्र डाल के आएगा। अगर किसी के घर में इमरजेंसी नहीं है तो वो कैसे आएगा, वो अच्छे वस्त्र डाल कर आएगा। ठीक है, तो यह शिर को मुड़वाया ना हुआ होगा, जटाधारी ना हुआ होगा, मतलब अच्छे से कोम करके रेडी होकर आया होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है ये डेट्स। ठीक है, तो ये डेट को ध्यान रखना, बिना चतुर्थी नवमी बिना रिक्ता चतुर्दशीमी, तो उन्होंने बोल दिया कि चतुर्थी नवमी चतुर्दशी और रिक्ता तिथि में ना आया हो। ठीक है, वो क्या है इन तिथियों में ना आया हो, ना 4 को ना 9 को ना 14 को, और रिक्त तिथि में ना आया हो। ठीक है, जब भी कोई रिक्त स्थान रिक्त जिसको तिथि मानते, उसके बाद बोला गया कि मध्यकाल में, ठीक है, अर्धरात्रि के समय में, भूकंप के समय में, राहु दर्शन के समय में अगर कोई व्यक्ति नहीं आता तो उसको क्या है प्रशस्त माना गया है। ठीक है, पहले वैद्य के पास जाने के लिए भी क्या है तिथि देखनी पड़ती किस तिथि को हमें जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या है शुभ शकुन द्रव्य भी बताए गए हैं, जैसे कि दही ब्राह्मण ये अगर रास्ते में मिल जाते हैं या ये पाए जाते हैं तो इसमें जैसे कि मछली बकरा दंत नक शंख प्रियंगू घी सैंदव नमक शीशा पीली सरसों गोरोचन, इसका देखने का मतलब यही होता है कि ये क्या है कि जो रोगी है वो क्या है उसके जो अरिष्ट लक्षण नहीं है आरोग्य का एक सूचक बताया गया आरोग्य का। ठीक है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देख लो क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया है स्वप्ने देवे। ठीक है, यहाँ पर स्वप्न के बारे में भी बात रखी गई है कि प्रसन्न देवता पितर अगर क्या है स्वप्न में बातचीत कर रहे हैं, और स्वप्न में क्या है चंद्रमा सूर्य अग्नि का प्रकाश देखना, या फिर अपने हितेशियों जो विजय हैं उसमें विजेतों को गौरव, ठीक है ना, ऐसे देखना कि गौ और यशस्वी मनुष्यों को देखना, श्वेत वस्त्र ऐसे धारण करते देखना, स्वच्छ तालाब को देखना, मछली आदि सविष प्राणी जैसे कि बिच्छू, ठीक है ना, अमेध्य जैसे मलमूत्र को क्या है मलमूत्र को छाता और शीशे में स्वप्न में देखना, ठीक है ना, छाता और शीशे को, और स्वप्न में क्या है श्वेत वन के क्या है फूलों को देखना। उसके बाद स्वप्न में क्या है स्वप्न में ही क्या है घोड़े गाड़ी बैलगाड़ी इसको चलाना, पूर्व और उत्तर दिशा में क्या है आना, दक्षिण दिशा में जाना एक अशुभ माना जाता था, ये क्या है पूर्व उत्तर दिशा में क्या है आना है, रोना, ठीक है,
गिर कर फिर उठना, ठीक है। तो ये सोपन जो होते हैं, और शत्रु जो शत्रु है उसको क्या है, पराजित करना। तो ये सारे सपन थे, ये अच्छे माने गए हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पूछ लेते हैं कि उत्तम रोगी के क्या लक्षण है। तो टोटल हो जाते हैं 4 लक्षण होते हैं, आरोग्य के 4 लक्षण बताए गए हैं। तो कौन कौन से आते हैं, सत्व लक्षण संयोग है। तो सबसे पहले आता है कि सत्व लक्षण होना चाहिए रोगी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है भक्ति वैद्य विजातीषु। तो उन्होंने बोल दिया कि वैद्य और जो ब्राह्मण में क्या है, प्रेम होना चाहिए। साध्यम, तो जो रोग है वो कैसा होना चाहिए, तो साध्य होना चाहिए। एक साध्य होता है, एक असाध्य होता है, तो साध्य में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है, ठीक है ना, कि रोगी जो है, रोग जो है वो नहीं छूटेगा, इस भावना का क्या, इस ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि नहीं जो भी रोग है वो क्या है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी भावना होगी तो उससे क्या है, ये मेन मुख्य रूप से रोगी के लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है कि इतेद, ठीक है ना, इतेदम मुक्तम प्राकृते यथातर्थ, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया गया कि ये क्या है, इंद्रिय स्थान का एक फल बताया गया है, ठीक है। लाभते धनानी, इसमें जो मेन वर्ड है वो आ जाता है धन का। वो क्यों है, देखो इसमें क्या बोला है कि क्रम से आए हुए अगर हम इंद्रिय स्थान का वर्णन किया गया है, ज्ञानी ऋषियों के निरंतर के लिए क्या, इंद्रिय स्थान का विचार पूर्व अध्ययन करके समझना चाहिए, इसके ज्ञान के निरंतर चिकित्सा में सफलता और यश की प्राप्ति होती है, ठीक है। इससे क्या होती है, चिकित्सा और क्या है, सफलता, चिकित्सा में सफलता और यश की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से क्या है, सफल चिकित्सक धन को प्राप्त होता है, किसको, जो ऐसे अगर हम चिकित्सा करेंगे तो उससे क्या है, धनी। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आचार्य चरक ने बोला है कि धन, ठीक है ना, कि आप क्या है, इससे धन भी प्राप्त कर सकते हैं। वरना जहाँ जहाँ आचार्य चरक ने वर्णन किया है तो उन्होंने यश की ही प्राप्ति बोला है, कभी धन के बारे में नहीं बताया। इंद्रिय स्थान के सबसे लास्ट में क्या, उन्होंने धन भी वर्ड यूज़ किया है, ठीक है ना। इस तरह के जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो नेक्स्ट स्थान होगा उसके बारे, उसके तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।